नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, तरफ सभी को मेरे YouTube चैनल पॉलिटनज पे स्वागत है। और दोस्त, कल मैं एक जैसे ही वीडियो डाला था तो उनमें बहुत सारे व्यूज मेरा शाम तक हो गया था, और उसमें एक फ्रेंड्स ने कमेंट करके मुझे बोला है कि उसका बार्ड जो है 25 दिन का एज है और वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बार्ड जो है वो बैठ जा रहा है, और उन्होंने लिवर टॉनिक और किडनी का मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सजेस्ट करने वाला हूं कि ऐसा सिचुएशन अगर आपके फार्म में भी होता है, क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा बार्ड्स जैसे 30 डेज हो जाता है, 27 डेज हो जाता है, तो आप देखेंगे कि मेल बार्ड्स जो है थोड़ा सा बैठ जाता है, उठ के फीड इनटेक वाटर इनटेक नहीं कर पाता। तो इसका दो कारण हो सकता है, एक तो लंगड़ेपन का समस्या और दूसरा है उसमें ठांट लग गया है। तो आपको किस तरह से महसूस करना है कि उसमें ठांट लग गया है? देखिए, एक तो होता है पूरी फार्म में आपका सर्दी आ गया, तो आपको पता चलेगा कि खिचखिच या तो फिर घड़घड़ करके साउंड आ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में आप तो दूर से ही पता कर सकते हो कि आपके फार्म पे ठंड आ गया, तो आपको मेडिसिन स्प्रे करना है या तो फिर एंटीबायोटिक देना है, कुछ भी करना है आपको पता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन अगर आपके साथ होगा कि बार्ड्स तो ठीक ही है लेकिन थोड़ा बहुत बार्ड्स जो है दिन ब दिन, मतलब बड़ा बड़ा बार्ड्स वो बैठ जा रहा है, ऊपर उठ नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ, तो इसके चलते आपको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आपको बार्ड्स को आराम से पकड़ना होगा। एक बार जो बार्ड्स बैठ गया है उसको हाथ देके उसको पकड़िए, तो आपको महसूस होगा कि उसमें अगर अंदर से कुछ घड़घड़ करके साउंड आ रहा है, या तो फिर दो हाथ से उसको ऊपर कीजिए तो भी आपको पता चलेगा कि बार्ड्स में अंदर में कुछ सर्दी है या तो फिर ठंड है, तभी आपको पता चलेगा जब उसको आप टच करोगे या तो फिर पकड़ोगे। तो इस तरह से आपको महसूस करना है। अगर आप देखोगे कान के नीचे थोड़ा सा लेके जाके कि उसमें उसके अंदर से एक घड़घड़ करके साउंड आ रहे हैं, तो आप कोई भी लिवर टॉनिक, कोई भी विटामिन आप उसको मत दीजिए। जैसे कि मेरा ये सब्सक्राइबर भाई ने बोला है कि लिवर टॉनिक चल रहा है, तो उसको बंद कीजिए। पहले आप महसूस कीजिए कि उसमें वाकई ठंड सभी चिक्स में है या सिर्फ उसी में है। अगर उसमें है तो कोई एंटीबायोटिक 25 दिन जैसे कि हो गया गर्मी के टाइम में, आप कोई एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करने से ही बेहतर होगा। आपको इसको कटाना है सिर्फ स्प्रे के ऊपर, B90 हो सकता है, फार्मकोड हो सकता है, बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट मेडिसिन जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा उसका इस्तेमाल आपको करना है, और उसी को इस्तेमाल करने से आपका जो चिक्स बैठ जा रहा है बड़ा चिक्स वो एकदम से कट जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो सोचा कि क्यों ना आपको जवाब देने से पहले आप, मैं सभी के साथ शेयर कर दूं, तो सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन अगर हर किसी के फार्म में होगा तो वो डेफिनेटली उसको सॉल्यूशन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर पोल्ट्री फार्म भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।